अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेट्स केयर एंड इन्फो। दोस्तों आज हमारे पास है कबूतर का बच्चा, इसको हम सिरिंज के थ्रू जो है ना हैंड फीड करवाएंगे। ठीक है, सिरिंज के मेथड से हैंड फीडिंग बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक 20 cc का इंजेक्शन। ठीक है, एक 20 cc की ये सिरिंज चाहिए होगी। उसके साथ साथ हमें चाहिए होगा, अच्छा ये भी बता दूँ कि 20 cc की सिरिंज कराची में इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में तकरीबन 25-30 रुपए की आपको मिल जाएगी। ठीक है, 25-30 रुपए की आप लोगों को एक सिरिंज मिल जाएगी। साथ साथ ये 40 रुपए की जो है ना ये एक ड्रिप सेट है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, उसको बोलिएगा मुझे ड्रिप सेट चाहिए। ड्रिप सेट से हम लोगों को सिर्फ इतनी चीज़ का काम है, मैं खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है ड्रिप सेट। ठीक है, हमें इस पूरे पाइप की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो है ना इसके अंदर से यहाँ से ये गोल्डन वाला जो है ना येलो पाइप ये चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, और इस यहाँ से ये निकाल लिया। सिर्फ हमें इस 40 रुपए के सेट में जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत थी। ये होता क्या है, रबर का पाइप है, जब हम इसके अंदर मुंह के अंदर डालेंगे ना तो इसको कहीं इधर उधर लगेगा नहीं, कोई इसके जो है ना ज़ख़म नहीं होगा इस पाइप से। इस ड्रिप सेट की जगह अगर आप लोग चाहें तो साइकिल का जो पाइप होता है ना जो टायर के अंदर डलता है, ठीक है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। मुझे ये इजी लगता है तो मैं इसलिए ड्रिप सेट ले आया और इससे मैं इसको जो है ना हैंड फिट कराऊंगा। अब करना क्या है, करना ये है कि सिरिंज के मुंह पे ना इस तरफ पे ये थोड़ी सी जो है स्पेस दी हुई होती है, इसके ऊपर आप लोगों को जो है ना इस तरह से ये पाइप चढ़ा देना है। ठीक है, बहुत आसानी से पाइप चढ़ जाएगा, रबर का पाइप है। बस ये इंश्योर कर लीजिएगा कि सही तरह से जो है ना अंदर तक चला जाए, कभी ऐसा ना हो कि आप लोग इसको फीड करवा रहे हो और इसके जो है ना हलक में ही रह जाए। तो इसको एक बार जो है वो सही से देख लीजिएगा हिला के कि भाई ये इसके अंदर तो नहीं जाएगा, इसके मुंह में रह तो नहीं जाएगा। ठीक है, हल्का सा यूँ खींच के देख लीजिएगा। अब ये इसके ऊपर प्रॉपरली जो है ना ये चढ़ चुका है। ठीक है, ये हमने एक काम अपना कर लिया, इसको अब साइड में रख देते हैं। मेरे पास जो है ये हल्का नीम गर्म पानी है, आप लोग टैप वाटर में भी बना सकते हैं, लेकिन हल्का नीम गर्म अगर पानी होगा ना तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, जब ये सेरेलैक मिक्स करेंगे, सेरेलैक आप लोग व्हीट फ्लेवर में भी ले सकते हैं और राइस में भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त राइस में है, चावल में। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक फ्लेवर आप लोग ले लें, और अगर आप लोग नीम गर्म पानी में इसको मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मुझे ये मेरा बच्चा तकरीबन जो है ना ये है 15 से 16 दिन का। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो 3 times फीड करवाऊंगा 20 cc। ठीक है, अगर आप लोग देखें कि आप लोगों का बच्चा जो है वो उसका क्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और उसके लिए जो है ये कम हो रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा जो है ज़्यादा फीड करवा दें, 20 ml की जगह जो है वो 25 ml फीड करवा दें। अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, इस दफ़ा जो मैं इस बच्चे पे मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो मैं इसको हैंड फीड करवा रहा हूँ गेहूँ, ठीक है, गंदम जो होता है वो, और बाजरा। सही है, ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए दिखाने के लिए जो है ना बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हैंड फीडिंग मेथड भी पता चल जाए किस तरह से हैंड फीड करवाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 ml अगर हमें बनाना है तो मेरे पास जो ये टैप वाटर है यानी हल्का नीम गर्म पानी है, ठीक है, इसको मैं ये इस सिरिंज के थ्रू अपने पास इस बोल के अंदर निकालूंगा। ठीक है, 20 ml की सिरिंज है, ml और cc एक ही चीज़ है। ठीक है, 20 ml मैंने जो है ना ये पानी इसके अंदर अपने पास निकाल लिया। ठीक है, अच्छा जब आप 20 ml बना रहे होंगे ना इसके लिए फार्मूला, तो एक काम करिएगा कि 20 ml की जगह ना थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया, क्योंकि अक्सर ये होता है जब आप सिरिंज से जो है वो भर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें रह भी जाता है, तो 20 की जगह 25 ml इसमें जो है ना पानी ले लेंगे, तो आप लोगों को जब दोबारा इसको भरने में ना थोड़ी आसानी होगी। अभी माशाल्लाह ये इतना बड़ा हो गया है कि इसको यहाँ पानी नज़र आ रहा है ना, तो ये ख़ुद पीने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सेरेलैक को इसके अंदर डालना है पानी के अंदर। ठीक है, और एक एक साथ जो है ना ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है, क्योंकि ना हमें बहुत ज़्यादा इसको भारी बनाना है, या बहुत ज़्यादा जो है थिक भी नहीं बनाना, और बहुत ज़्यादा जो है वो थिन भी नहीं बनाना है कि बिल्कुल ही जो है वो पानी हो, इतना हो कि इसको जो है एनर्जी भी मिले और आसानी से जो है ना डाइजेस्ट भी हो जाए। वो आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा, जब आप इसको ऐसे उठा के ना ये यूँ डालेंगे ना, अब ये मेरे हिसाब से जो है थोड़ा पतला है, जब आप लोग बना रहे होंगे आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, अभी ये बहुत पतला है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करूँगा। मैंने जो है ना अभी इसके अंदर और सेरेलैक ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद इसकी पोजीशन कुछ यूँ है। ठीक है, ये इतना गाढ़ा है, अगर आप लोगों को सही तरह से दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी कि कितना गाढ़ा होना चाहिए।
मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि इतना गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद अब मेरे पास जो ये सिरिंच है मैं इसको फुल यहाँ से भर लूँगा, ठीक है। एक बार भरने के बाद ना सिरिंच, जैसे ही आपने भरी इसको एक बार दोबारा निकाल दें, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी थिकनेस वगैरह जो है सही है, ये सिरिंच में अटक तो नहीं रहा, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरह से करके दिखाना है, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों को ये 20 ml की सिरिंच पूरी की पूरी भर लेनी है, ठीक है। यहाँ मेरे पास ये तकरीबन 22 ml पे आ गई है, ठीक है। 2 ml इसमें एक्स्ट्रा है। इस तरह ऊपर करके इसको चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर कोई बबल वगैरह तो नहीं है। अभी मैंने जितनी भरी है इसमें कोई एक्स्ट्रा बबल वगैरह ऊपर नहीं है। अगर आप लोगों को बबल लगे तो इसको सिरिंच को ही ऊपर को करके और नीचे से दबाइएगा तो वो बबल रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इस बच्चे को यूं करके पकड़ के, ठीक है, बहुत आसान सा है, लेफ़्ट साइड से, यहाँ से ना इसकी लेफ़्ट साइड से पकड़ के और थोड़ा सा क्रॉस में ऐसे अंदर करके और यूं आप लोगों को इसको पिला देना है। देखें ये माशाल्लाह बहुत ही आसानी से जो है ना पी लेते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। पहले आपने इसका क्रॉप देखा होगा और अब आप इसका क्रॉप देख लें, ठीक है। ये इसके अंदर ये आ गई है फीड, ठीक है। थोड़ी सी और मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। इस तरह से इसको भर लेनी है, ठीक है। ये मैंने 5 cc और भर लिया, ओवर फीड नहीं कराएंगे, ठीक है, ओवर फीड नहीं कराएंगे। ये 5 cc भरने के बाद ये आपने इसका इस तरह से मुंह खोला, मुंह खोलने के बाद यहाँ लेफ़्ट साइड से अंदर करके और ये इसके अंदर आपने प्रेस कर दिया। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है इसको पालना, इसको हैंड फीड कराना। थोड़ी सी आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आराम से फीड करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आप लोग जो है ना 10 बच्चे भी पाल लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।